हाय एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के जो वीडियो है उसमें मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले सबसे फर्स्ट जो हमें आना चाहिए वो क्या है, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद ही आप रिएजेंट या आप बोल सकते हो स्टीरियो केमिस्ट्री या जितना भी आगे आने वाले टॉपिक्स है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस या नेम रिएक्शंस, वो सबके अप्रोचेस लगाने के लिए सबसे ज़्यादा हमें पता होना चाहिए उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। सब जब हम कभी भी कोई रिएक्शन कराते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस किस में होना चाहिए हमको, सब हम क्या चीज़ को देखते हैं, रिएक्टेंट जो दिया है हमको उसको देखते हैं, उसकी नेचर्स को देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं, फिर रिएजेंट को देखा जाता है, फिर रिएजेंट की प्रॉपर्टी को देखते हैं, तो जा करके हमारा प्रोडक्ट बनता है, होता है ऐसा। तो जब हम रिएजेंट की या फिर रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर्स देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, तो वहाँ पर हमको पता होना चाहिए जीओसीज के बारे में, मतलब जितने भी छोटे छोटे बेसिक हमारे पास है वो सब हमें आना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट कर रही हूँ मैं जीओसी। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ाने वाली हूँ, जितने भी टाइप के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो है वो 4 टाइप्स का होगा। फर्स्ट इज द इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड हो जाता है आपका, मैंने लिख रखा है इंडक्टिव इफेक्ट होता है, फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, रेजोनेंस इफेक्ट होंगे और साथ ही हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट टाइप का है। इसमें से कुछ परमानेंट होते हैं और कुछ टेम्प्ररी होते हैं, है ना। फर्स्ट जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एक परमानेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट को थोड़ा सा अगर मैं डिफाइन करूँ कि क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इन अ सिग्मा बॉन्ड। ये एक सिग्मा बॉन्ड्स में होने वाला फेनोमेनो है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, परमानेंटली होता है, परमानेंट इफेक्ट है ये, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं सिंपली कि सपोज मेरे पास एक बॉन्ड है, एकदम नॉर्मल बॉन्ड है मेरे पास, जैसे मैंने लिख रखा है हमारा CH3 CH2 एंड CH3। अगर यहाँ मैं बात करूँ कि क्या यहाँ पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तो आप सीधे से बोलोगे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस मुझे दिख नहीं रहा है और सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं, है ना, तो इस कंडीशंस में यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसी स्ट्रक्चर में जैसे ही मैं कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दूँ, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में जैसे ही हम कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगाते हैं, अब इस बॉन्ड का जो नेचर है वो पहले कैसा था, पहले था बॉन्ड का नेचर नॉन पोलर टाइप का, और यहाँ पे ये ग्रुप लगाते ही अब नेचर कैसा हो गया, स्लाइडली पोलर नेचर का हो गया। ये कैसे पोलर नेचर का हो गया, मुझे पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे डिफरेंस आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण से अब ये जो बॉन्ड है हमारा, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस साइड पर जाने लगते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लिख रखा है मैंने स्क्रीनशॉट ले लेना इसे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन अ सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट तभी अराइज होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो। दो पॉइंट्स मैंने लिखा रखा है ना। अब देखो और क्या क्या चीज़ें हमें इसके बारे में जानना चाहिए। फर्स्ट थिंग, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। जैसे ही हम कोई ग्रुप लगाते हैं, ग्रुप लगाते ही इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जैसे मैंने ये ग्रुप लगाया और ये जो ग्रुप था उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ टुवर्ड्स दिस मोलिक्यूल, दिस एलिमेंट, है ना, इसी के साइड्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन उसी की जगह पे अगर हम कोई दूसरा ले लेते हैं, सपोज मैंने क्या किया यहाँ पे CH3 है और CH2 और फिर यहीं पर मैंने कोई ऐसा ग्रुप लगा लिया जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, ये सब भी मैं समझाऊँगी। तो कोई भी एक ग्रुप ले लिया मैंने जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है लाइक दिस, तो इस केसेस में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो टूवर्ड्स ऐसा होने लगेगा, तो इसको भी हम बोलेंगे क्या, ये भी एक टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट है, पर ये दोनों में डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे आगे। क्लियर है इतना चीज़ें। अब थोड़ा सा इसका पॉइंट्स देख लेते हैं हम कि कैसे हो रहा है। तो जब ये प्रोसेस हो रहा है, चलो यहाँ पे इसको हटाते हैं, बस ऐसा बता दिया था मैंने कि टाइप्स होता है इसका जो मैं आगे बताऊँगी आपको। इंडक्टिव इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही मैंने कोई नया ग्रुप लगाया जो अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो कर रहा था, वैसे ही इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आने लगा। अब ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाते जाते थोड़ा सा कम होते जाता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इफ़ यहाँ पे इसको मैं 1 दे दूँ, इसको 2 दे दूँ या इसको 3 दे दूँ, तो यहाँ पे जो लग रहा है चार्ज वो होगा 1s में, जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो ज़्यादा होगा S2 के कंपेरिजन में और फिर S3। मतलब ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डायरेक्शनल है और डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है।
तो क्या क्या चीज़ें पता चला? इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो परमानेंट इफेक्ट है। सेकेंड चीज़ हमें पता चला कि ये जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, करता ही करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड चीज़ पता, ये डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल है मतलब अगर मैंने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दिया है तो वो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चलेगा, अगर यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम लगा दिया हम तो वो ऐसे करेगा इधर से प्लस आई इफेक्ट वाले में और इस साइड पर जाएगा। तो ये डायरेक्शनल इफेक्ट भी है। तो वो कुछ कुछ पॉइंट है जिस पे ये डिपेंड करता है, वो मैंने यहाँ लिख रखा है, देखिए आप। सबसे फर्स्ट ये परमानेंट इफेक्ट है, सेकेंड है पार्शली चार्ज डेवलपमेंट। इस जब ये प्रोसेस होता है तो पार्शली चार्ज डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास ये इफेक्ट होता है तो उस कंडीशंस में पार्शली चार्ज जो है वो डेवलप हो जाता है, आपको दिख रहा है पार्शली नेगेटिव एंड पार्शली पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप होगा। फिर डिस्टेंस डिपेंड इफेक्ट, मैंने पहले ही बता दिया ये इफेक्ट हमारे डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, यही रीज़न है कि इस पर इसका ज़्यादा इफेक्ट है, उसके बाद इस पर और फिर इस पर, तो ये डिस्टेंस पर तो डिपेंड करता ही करता है ना। फिर बात कर लेते हैं कि ऑपरेट टू द सिग्मा बॉन्ड, ये जो इफेक्ट है वो बेसिकली सिग्मा बॉन्ड के लिए ही पढ़ा जाता है, पाई बॉन्ड्स के लिए हम इसको नहीं पढ़ते। रेफरेंस, तो जब भी हमें निकालना होता है कि किसका किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, किसका इंडक्टिव इफेक्ट कम है, तो वहाँ पे एज ए रेफरेंस हम लेते हैं किसको, हाइड्रोजन को, क्योंकि ऐसा बोला जाता है, बोला जाता नहीं है, मतलब है ही ऐसा कि जो हाइड्रोजन है उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़ीरो होता है, उसको एज ए रेफरेंस कंसिडर किया जाता है, ठीक है। यही रीज़न है कि जब मैंने प्लस आई इफेक्ट प्लस माइनस आई इफेक्ट लिखवाया है तो वहाँ पे हाइड्रोजन को लास्ट में, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट वो होता है ज़ीरो, हाइड्रोजन का ज़ीरो होता है और उसी के रेफरेंस पे हमको ऑर्डर बनाना होता है, क्लियर है इतना। फिर हमने क्या लिख दिया है, ये जो होता है वो इसमें ये एक वीक इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है, बाद में जब हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे तो पता चलेगा इज़ ए वीक इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद आ सकता है कैन बी नेगलेक्टेड आफ्टर थ्री कार्बन, जब ऐसे हम कार्बन चेन बनाते हैं तो थ्री कार्बन के बाद इसे नेग्लिजिबल माना जाता है ना। उसके बाद और चीज़ें क्या क्या लिख सकते हैं, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो जब किसी हम मॉलिक्यूल में लगाते हैं तो वहाँ पे वो किस पे डिपेंड करता है, तो बेसिकली वो थ्री चीज़ों पे डिपेंड करेगा। थ्री चीज़ों पे डिपेंड करेगा मतलब कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट थिंग तो ये कि वो ना डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि हमने कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप लगा दिया है किसी मॉलिक्यूल में तो वो कितना डिस्टेंस में है, तो डिस्टेंस पे सबसे फर्स्ट वो इफेक्ट करता है, ठीक है। सेकेंड इफेक्ट करता है नंबर पे कि कितना नंबर्स में हमने इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप लगाया है, तो ग्रुप के नंबर पे भी वो डिपेंड करेगा उसका इफेक्टिवनेस, है ना। और थर्ड हो जाता है आपका, ऐसे सीक्वेंस में ही याद रखना है, सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, उसके बाद डिपेंड करता है नंबर पे, और उसके बाद डिपेंड करता है उसके पावर पे, है ना। समझ आया, मतलब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट शो होता है वो थ्री चीज़ों पे डिपेंड है, बेसिकली वो थ्री चीज़ों में सबसे फर्स्ट जो होता है वो एक डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले हमको देखना होता है डिस्टेंस, ये बस याद रखो, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी समझ आ जाएगा। सेकेंड होता है आपका, फर्स्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, सेकेंड होता है नंबर, नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप्स की नंबर पे डिपेंड करते हैं, राइट। और जो थर्ड होता है वो है पावर, पावर ऑफ ग्रुप, जो ग्रुप हमने लगा रखा है यहाँ पे, चलिए इसे ग्रुप ले लीजिए, जो ग्रुप लगा रखा है उसकी पावर पे डिपेंड करेगा। तो ये थ्री चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल हमेशा से याद रखना चाहिए कि ये जो होता है, इसी को बोलते हैं डी एन पी रूल, इसी को क्या बोलते हैं, डी एन पी रूल बोलते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा वो डिस्टेंस पे, उसके बाद हम कंसिडर करेंगे नंबर्स को, फिर हम कंसिडर करेंगे पावर को, समझेंगे इसको धीरे धीरे से। इतनी चीज़ें समझ आ गया। अब मैं बात करती हूँ टाइप्स की। तो जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो टू टाइप का होता है बेसिकली। फर्स्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, और सेकेंड हो जाता है आपका माइनस आई इफेक्ट। अब ये कैसा है, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, है ना। तो मैं थोड़ा सा बता के देती हूँ, अगर मैं बात करूँ प्लस आई इफेक्ट की, तो सपोज़ मेरे पास एक कार्बन चेन है, ठीक है। इस कार्बन चेन के साथ अगर मैंने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया, कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया है जो कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, ऐसा ग्रुप लगाया है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करे टूवर्ड्स कार्बन चेन। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है टूवर्ड्स कार्बन चेन, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या समटाइम इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जब कोई ऐसा ग्रुप लगा देते हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करे टूवर्ड्स कार्बन चेन, या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, तो इस टाइप का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं प्लस आई ग्रुप। इसी को क्या बोला जाता है, प्लस आई ग्रुप, और इसी को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब आप इस चीज़ को सोचो कि कोई अपना इलेक्ट्रॉन कब देगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन हो ज़्यादा,
यही रीज़न है कि यहाँ पे प्लस आई ग्रुप वही होते हैं जिन पे एक तो चार्ज हो, मतलब मैं बोल सकती हूँ उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा ग्रुप जो एनायनिक है वो बहुत ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, है ना। तो इसको सीक्वेंस में मैं अभी लिख तो रखी हूँ पर इसको याद करने का तरीका बता देती हूँ आपको कि ऐसा ग्रुप जो एनायनिक है वो बहुत ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो सबसे फर्स्ट कैटेगरी में इसमें रख सकते हैं हम कि जो एनायनिक ग्रुप है, एनायनिक ग्रुप उसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद फिर आपका एलाइलिक ग्रुप का होगा, एल्काइल ग्रुप का, और फिर लास्ट में हो जाते हैं हमारे आइसोटॉपिक ग्रुप्स। आइसोटॉपिक ग्रुप, और यहाँ तभी देखो मैंने क्या कहा, सबसे ज़्यादा एनायनिक ग्रुप मतलब ऑलरेडी जिस पर नेगेटिव चार्ज है, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो हम उसको बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, उन्हीं ग्रुप्स को बोलेंगे। तो उसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे अरेंज कर रखा है, तो अब आपको ना याद करने में ईजी होगा। मैंने सबसे पहले कहा कि प्लस आई ग्रुप वो ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है कार्बन चेन में, तो कार्बन चेन साइड्स पे आ जाता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज, कार्बन चेन के साइड्स पे आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे इस ग्रुप के पास अपने आप में आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और यही रीज़न है कि इसको बोला जाता है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, मतलब ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, खुद पे पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, बाकी इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देगा। अब मैंने पहले ही बताया कि ये इसको हम कुछ इस सीक्वेंस में लर्न कर सकते हैं, पहले जितने भी एनायनिक ग्रुप है वो आ जाएंगे, वो बहुत गुड प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप होते हैं, उसके बाद एलाइलिक ग्रुप, उसके बाद आइसोटोपिक ग्रुप। तो उसी रेंज में मैंने यहाँ पे अरेंज कर रखा है। देखें जितने भी एनायनिक ग्रुप हैं उसको मैंने पहले ले रखा है, ले लिया। ये सारे कैसे हैं, एनायनिक ग्रुप है, जो एनायनिक ग्रुप है उसमें भी मैंने उसे कुछ ऐसा अरेंज किया है कि इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे और फिर कार्बन पे, हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे तो डिपेंड करता ही करता है ना। अभी मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी पूरा आपको एक चार्ट बना के सिखाऊंगी कि किसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ पे हमको देखनी होती है और कैसे देखना होता है, उसके बेसिस पे हम डील करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट में जो हमारा ग्रुप है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा मतलब वो खुद में क्या होना चाहिए, थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए। तो उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि पहले आएगा CH2 नेगेटिव, फिर नाइट्रोजन वाला नेगेटिव, फिर ऑक्सीजन वाला नेगेटिव, उसके बाद हमारा ये ग्रुप। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि पहले इसमें क्या आते हैं, एनायनिक ग्रुप आएंगे, तो यहाँ तक का जो ग्रुप था वो तो हुआ मेरा एनायनिक वाला। ठीक, उसके बाद चले जाते हैं एल्काइल ग्रुप में। जब हम एल्काइल ग्रुप में जाते हैं तो वहाँ पे टर्सरी, और फिर जो एल्काइल ग्रुप है उसमें हम जाएंगे क्या, टर्सरी, फिर आता है हमारा सेकेंडरी, और उसके बाद आता है प्राइमरी। ठीक है, इसके बेसिस पे ही ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर रखते हैं, है ना। तो उसके बेस पे मैंने बना दिया है, यहाँ पे टर्सरी वाला ग्रुप रहेगा वो इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किसी के साथ अटैच है तो, आफ्टर दैट सेकेंडरी, उसके बाद फिर आ जाएगा आपका प्राइमरी, उसके बाद सिंपल CH3। आप इसको बस बहुत ज़्यादा जानते हैं बच्चे, है ना, कि ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, पर प्लस आई इफेक्ट ये शो कर रहा है ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ाते जाते हैं प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, ये याद रख लो, ब्रांचिंग से प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है। तो उसके सीक्वेंस में हमको ऐसा ही लर्न हो जाएगा। फिर मैंने कहा उसके बाद हम रखते हैं आइसोटोप्स का। तो आइसोटोप्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन को तो कंसीडर मत करना, वो तो जीरो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। आइसोटोप्स की बात करें तो ट्रिटियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा शो करेगा प्लस आई इफेक्ट, उसके बाद ड्यूटेरियम, फिर जाके हाइड्रोजन। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इसका रीज़न मैं अभी समझाऊंगी आपको, डिटेल में समझाऊंगी कि क्या रीज़न है कि प्लस आई इफेक्ट जो है वो ट्रिटियम ज़्यादा शो करता है, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन। और इसी के बेसिस पे मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ कि अगर मेरे पास C3 है तो ये प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा, उसके बाद CD3 ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और उसके बाद भी CH3। तो ऐसा सीक्वेंस हमारा हो सकता है, राइट। तो ये तो मैंने यहाँ से आपको लिस्टिंग करा रखा है प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स को, तो आप वैसे लर्न कीजिए इसे। ये अगर आपको याद हो गया तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारा जो जियोसिस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसके एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन, एसिडिटी ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, या प्रोटोनेशन कहाँ पे होगा, प्रोटोनेटेड साइड कौन से होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है जो अपने आप बनने लग जाता है। जियोसिस जानना ज़रूरी है, स्पेशली इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। अभी वन बाई वन सारे इफेक्ट्स पढ़ेंगे हम। चलिए माइनस आर इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो माइनस आर इफेक्ट में क्या होता है, मेरे पास है कार्बन चेन,
माइनस आई इफेक्ट में उसको बोलूँगी कि मेरे पास कार्बन चैन है और इस कार्बन चैन के साथ जो अटैच्ड ग्रुप है ये ग्रुप इफ कैसा हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रोइंग, ठीक है, ये एक ऐसा ग्रुप लगा दो आप कार्बन चैन में जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करे, अपने साइड खींचे। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रोइंग ग्रुप होने से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो टूवर्ड्स इसी ग्रुप के साइड पे होगा, इससे इस ग्रुप में आ जाएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज और बाकी ग्रुप में आ जाएंगे पार्शली पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो इस टाइप का ग्रुप जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को जो विथड्रॉ करेगा इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और यही ग्रुप जो है वो शो करता है माइनस आई इफेक्ट। इतना क्लियर हो गया? अब माइनस आई इफेक्ट कौन कौन शो करेगा? तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ बता दिया था एनायनिक ग्रुप, एनायनिक ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेता है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इजली डोनेट करता है चैन में, कार्बन चैन में। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दूँ, सोचो इसको, सोचो, ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि जैसे नाइट्रोजन इज़ ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट, अब इसे किसी कार्बन चैन के अंदर मैंने इसको अटैच कर रखा है, नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, वो तो है ही, पर अगर मैं नाइट्रोजन में फोर बॉन्ड्स बना के इसको पॉजिटिवली चार्ज बना दूँ, मतलब ये तो यार इतना ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है कि फिर वो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच लेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है पहले भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसको बोलते हैं? जो किसी भी बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करके रख से उसको हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, बोलते हैं ऐसा। तो नाइट्रोजन पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जैसे ही मैंने उस पर मल्टीपल बॉन्ड्स बनाए तो वहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यार पॉजिटिव चार्ज आते ही ना वो ऐसे परेशान हो जाता है कि मैं बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ और मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो बहुत स्पीडली वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लगता है। तो हम बोल सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पे अगर पॉजिटिव चार्ज लगा है तो वो ही सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के जैसा बिहेव करेगा और उसी की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी या हम बोल सकते हैं माइनस इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो है वो अपने साइड बहुत ज़्यादा स्पीडली इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो ये सब हम पढ़ेंगे, डायरेक्शंस भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, डायरेक्शन भी पढ़ेंगे अभी। क्लियर है इतना? अब मैं थोड़ा सा इसको याद करने का तरीका बता देते हैं। यहाँ पे याद करने का कोई ज़्यादा ऐसे रूल्स नहीं है, आप देख के भी समझ सकते हो कि यार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है, साथ ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ये बाइंड भी है, तो ऑब्वियस इसी का प्लस माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। माइनस आई इफेक्ट मतलब ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर खींचेगा। क्लियर है इतना? तो यहाँ सबसे फर्स्ट आ जाता है OF2, फिर आ जाता है OR2, NF मतलब मैंने नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लगा रखा, फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज विद हाइड्रोजन कनेक्टेड है, फिर NO2 आएगा। क्लियर? उसके बाद आ जाएंगे आपके मल्टीपल बॉन्ड्स वाले। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स वाले होते हैं वो पाई एक्सेप्टर होते हैं और सिग्मा को भी एक्सेप्ट करते हैं ना, तो वो सब ग्रुप मैंने अरेंज कर रखा है। साइनाइड आ जाएगा, फिर एल्डिहाइड आ जाएगा, फिर कीटोन ग्रुप, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फिर हेलोजन, और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है आपको फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, तो उसके सीक्वेंस में मैंने इसे अरेंज कर रखा है। लास्ट में आते हैं आपके मल्टीपल बॉन्ड वाले CH3 ग्रुप, मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड सी ग्रुप, फिर आ जाएगा बेंजीन, फिर डबल बॉन्ड वाला ग्रुप, और फिर हाइड्रोजन तो एज ए रेफरेंस कंसिडर किया है। हाइड्रोजन को ना भी लिखो तो चलेगा क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जीरो शो करता है, उसको एज ए रेफरेंस ही कंसिडर किया जाता है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन कि कैसे कैसे ये होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो प्लस आई और ये माइनस आई इफेक्ट जो शो करता है ना ग्रुप, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ठीक है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। और जैसे प्लस आई हमको निकालना है तो बेसिकली हमको लर्न कैसे करना है कि क्या रीज़न है हमारा कि ये जो है आइसोटोप, ये आइसोटोप ज़्यादा अच्छा शो करता है प्लस आई, उसके बाद हमारा ये करता है, और बाकी का तो रीज़न पता चल गया क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा अच्छी नहीं है उस केसेस में हम उसको कर सकते हैं। क्लियर है इतना? अब मैं आपको बताने वाली हूँ उसके एप्लीकेशन, और एप्लीकेशंस में ही हम करेंगे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। मतलब अब यहाँ पे हम इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड लगभग 30-40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लियर? अभी तक हमने देख लिया था प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट क्या होता है ना, उसकी पूरी लिस्टिंग भी कर लिया था उसके ऑर्डर्स का, ठीक है। साथ ही मैंने बता दिया था आपको DNP रूल, मतलब जब भी हम किसी भी उसके में इंडक्टिव इफेक्ट को देखेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, फिर कितने इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं मतलब नंबर ऑफ ग्रुप पे इफेक्ट करेगा, और लास्ट में आ जाता है पावर कितना है, तो वो पावर में ही हमें उस ऑर्डर का यूज़ करेंगे, है ना, जो ऑर्डर मैंने पहले करा रखा है। शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा, उसको लर्न कर लो। मैंने ट्रिक्स भी बता दिया कि आप कैसे सोच सकते हो कि किसकी इलेक्ट्रॉनिक उसकी किसकी इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है।
अब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो बेसिकली थ्री चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहले ही मैंने बता दिया था, फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। अब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है। तो बेसिकली ना यहाँ पे जब भी आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा और उसके बेसिस पे ही उसका फिर पावर हम बता सकते हैं, है ना। सेकेंड चीज़ ये है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो बॉन्ड के नेचर पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, और जो नॉन पोलारिटी आ रही है वो किसके कारण से आ रहा है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। एंड थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके पर्पस से ही मैं आपको क्या बताऊंगी, जिसके बेस पे ही मैं बताऊंगी आइसोटोपिक इफेक्ट को, कि क्यों टी जो है वो ज़्यादा इफेक्ट शो कर रहा था प्लस आई इफेक्ट ड्यूटेरियम से और फिर हाइड्रोजन से, तो वो बताएंगे किसके बेसिस पे, बॉन्ड लेंथ। वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा ऑलवेज, क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है इतना चीज़ें? तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है थ्री चीज़ों पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड का नेचर एंड बॉन्ड लेंथ। तो यह सबसे पहले हमें जानना चाहिए क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आ गया तो हमें कितना पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहला तो इनऑर्गेनिक पे आप जानते हैं कि कुछ ग्रुप है, एक कुछ एलिमेंट है जो नेचर वाइज ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, है ना। कौन से हैं वो एलिमेंट? फोन, यही याद कराया था मैंने, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, देन ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो फोन ऐसा एक एलिमेंट है, ये थ्री ऐसा एलिमेंट है जो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। तो उसके बेसिस पे मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझाने के लिए ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को करेक्टराइज कर दिया है, थोड़ा सा इसको क्लासिफाई करके डिवाइड किया। इसमें सबसे पहले तो बाई नेचर ही कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो उसको ऑर्डर में लिख दिया है। फिर रिंग सिस्टम में देख लेंगे कि कौन सा रिंग ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर परसेंटेज एस करेक्टर के बेस पे कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट पे। क्लियर है? अगर मैं बेसिक नेचर की बात करूँ किसी एलिमेंट की, तो पहले ही बता चुकी हूँ कि फ्लोरीन इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल, आफ्टर दैट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन। तो उसके बेसिस पे हम नेचर के हिसाब से ऐसे अरेंज कर सकते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। उसके बाद अगर मैं कुछ मॉलिक्यूल्स बना दूँ इनऑर्गेनिक की ही, तो मॉलिक्यूल जब बनाते हैं तो उसका भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये हमेशा ना प्रॉब्लम करता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको लिस्टेड करा दिया यहाँ पे। NR3 जो है वो लिस्ट में ही देख लिया था, NR3 प्लस जो है वो ज़्यादा प्लस माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ये जो लिस्ट कराया है वो किसके पर्पस पे है, माइनस आई इफेक्ट। या पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस ये क्या शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट। पॉजिटिव चार्ज है तो ये है क्या, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप होगा। तो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप की बात करूँ तो यहाँ पे ना NR3 जो है ज़्यादा अच्छा माइनस आई इफेक्ट शो करता है NH3 से, लेकिन जस्ट उसके ग्रुप में नीचे चले जाइए आप, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, ऐसे लाइन से है। तो उसके जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो PR3 पॉजिटिव कम माइनस आई इफेक्ट शो करता है, जबकि PH3 पॉजिटिव ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो ये हमें याद होना चाहिए, नहीं तो हमें लगने लगेगा कि यार मेरे को इतना तो पता है कि यार नाइट्रोजन जो है वो R के ट्रांस जब कनेक्टेड रहता है तो ज़्यादा अच्छा शो करता है, तो उस बेसिस पे आप लगा दोगे कि पी भी आर के साथ है तो ज़्यादा अच्छा शो करेगा, पर ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने इसे लिस्ट आउट करा रखा है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लो और ब्रेन में रखो अपने, कि सिर्फ नाइट्रोजन के केसेस में ही NR3 पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा हाई माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, बाकी जो है वो प्लस आई इफेक्ट, मतलब माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, पर अपोजिट। क्लियर है इतना? अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, रिंग सिस्टम। अगर मैं रिंग सिस्टम को देखूँ तो रिंग में मेरे को पता चलता है कि जितना छोटा रिंग होता है उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा। मतलब यहाँ पे एक है मेरे पास 3 मेंबर रिंग और फिर 4 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग, तो ऐसा कुछ है। तो रिंग सिस्टम में अगर मैं जाऊँ तो मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट इसी का ज़्यादा होगा, फिर इसका, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होगा, कम होते जा रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑब्वियस माइनस आई इफेक्ट जो है वो भी यही ज़्यादा शो करेगा, और ये माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा कम शो करेगा। क्लियर है इतना? अब परसेंटेज एस करेक्टर की बात कर लेते हैं, तो परसेंटेज एस करेक्टर में आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे SP हाइब्रिडाइज जो होता है उसकी एस करेक्टर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, आफ्टर दैट SP2 और फिर उसके बाद SP3। तो ये सीक्वेंस है, यहाँ पे क्या होता है इसका जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो ज़्यादा होता है, पूरा 50% हो गया ऐसा। तो परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए कि यार कौन ज़्यादा अच्छा शो करेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी SP हाइब्रिडाइज्ड ग्रुप का ज़्यादा है
तो मैं बोल सकती हूँ कि sp hybridized ग्रुप का ज़्यादा है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस केसेस में यही जो है वो ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, यही ग्रुप क्या करेगा, ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। क्लियर है इतना चीज़ें। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, तो ये सब पता चल गया है आपको आई इफेक्ट के। फिर मैंने कैटेगराइज किया है ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी। अगर मैं किसी मेटल को लूँ और एक मेटल है जिस पे 7 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर उसी मेटल पे प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और फिर उसी मेटल पे आपका प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब बात किया जाए कि बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उतना ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो उतना ही ज़्यादा वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। इतनी चीज़ें तो मुझे पता चल गया कि यार हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड है हमारा आई इफेक्ट, और उसी पे बेस्ड है हमारे सारे कॉन्सेप्ट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें निकालना आना चाहिए। उसके बाद जो मैंने कहा कि बॉन्ड के नेचर पे भी डिपेंड करेगा, तो बिल्कुल करेगा बॉन्ड के नेचर पे। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया था कि बॉन्ड अगर मेरा नॉन पोलर है, तो नॉन पोलैरिटी है, तो वहाँ पे मैं बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट तो देखूंगी नहीं इलेक्ट्रॉन्स का। बट अगर बॉन्ड का नेचर पोलर है, तो उस केसेस में ही हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट रखता है, जिसमें मैं थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में समझाना चाह रही हूँ, वो है मेरा। तो अब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ को जैसे समझाना चाहूंगी, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ, तो मेरे को इतना पता चलता है कि बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ही कम इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है डिस्टेंस पे करता है। अब इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं, सपोज मेरे पास क्या है, कार्बन चेन है, और उस कार्बन चेन से लगा हुआ है ट्रिटियम। ठीक है, फिर उसी कार्बन एक चेन है जिससे लगा हुआ है ड्यूटेरियम, और एक कार्बन चेन से लगा हुआ हमारा हाइड्रोजन। अब आपको इतना चीजें पता है कि जो ये है इसकी मॉलिकुलर मास ज्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम का होता है, और उसके बाद हाइड्रोजन का होता है। और एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब मॉलिकुलर मास बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब मास ज्यादा है अगर किसी एलिमेंट की, तो उसके जो बॉन्ड लेंथ होते हैं वो कम हो जाते हैं। मास ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। इसके बेसिस पे मैं बोल सकती हूँ कि अगर यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात करें, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा हो गया, उसके बाद फिर कार्बन एंड ड्यूटेरियम के बीच का बॉन्ड लेंथ, और फिर कार्बन एंड ट्रिटियम, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ में कम होते जा रहा है यहाँ पे, तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट यही ज्यादा अच्छे से शो करेगा, है ना। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो कंटिन्यूअसली कम होते जा रहा है, इसका सबसे ज्यादा है, और लंबा बना लो ऐसे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूँ, तो बॉन्ड लेंथ तो मेरा सी एच में ज्यादा है, फिर सी डी में, और उसके बाद फिर सी जी में। उस केसेस से उसके बेसिस पे मैं बोल सकती हूँ डिस्टेंस भी वैसे ही है। तो यहाँ पे प्लस आई ग्रुप की बात करें, तो प्लस आई ग्रुप ज्यादा अच्छा सी डी वाला शो करेगा, फिर सी डी, और उसके बाद सी एच। और इसी बेसिस पे हम बना सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को, अगर आ गया कंपैरिजन करना, तो ये ना मैंने एक्सेप्शन बेस पे पढ़ा जाता था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं करूँ तो जस्ट उल्टा आ जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे बिल्कुल नहीं करना है। अगर मैं टी डी और एच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर निकालूं, तो मुझे पता चलता है यार हाइड्रोजन का ही ज्यादा आता है, तो उसके केसेस पे ये कॉन्सेप्ट तो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर अब हमें चीज पता चल गया कि ये कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है, बॉन्ड लेंथ पे बेस्ड है, बॉन्ड लेंथ के ऊपर ही बेस्ड है डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो इससे मुझे पता चलता है कि प्लस आई इफेक्ट जो है वो एट्रियम सबसे ज्यादा शो करता है, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद हाइड्रोजन। तो इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन जो आता है वो हमारे पास निकल गया कि अगर मैं बात करूं इंडक्टिव इफेक्ट की, तो बिल्कुल इसकी इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगी, उसके बाद सी डी थ्री की ज्यादा होगी, और उसके बाद सी एच थ्री की ज्यादा होगी। इंडक्टिव इफेक्ट ऐसा ही होगा, इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर। और हम बोले तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सी है, उसके बाद फिर टी टू के फॉर्म में है, और एक हाइड्रोजन है इसके पास, तो तब भी हम इसी को लेंगे। तो उसके बेसिस पे भी यही आएगा। ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चन है जो यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब मैंने जो बताया था आपको डी एन बी रूल, उसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझ के देखते हैं। होप आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और उसके बेस पे उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, है ना। तो इसको स्क्रीन शॉट ले लो अगर नहीं पता है तो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत सारे जगह पे वर्क करेगा, स्क्रीन शॉट लो। अब मैं आगे बढ़ाती हूँ आपको, डी एन बी रूल जो मैंने कहा डिस्टेंस पावर, उसको अपना एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने क्या बोला आपको कि हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिपेंड करेगा बेसिकली थ्री चीजों पे। एक होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस ही सबसे ज्यादा कंसिडर किया जाएगा, आफ्टर दैट नंबर, और उसके बाद फिर उसका पावर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल लेके शो करते सीखते हैं हम, एग्जाम्पल लेके
सपोज मेरे पास है कुछ ऐसा ग्रुप, क्लियर है इतना। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आप बताइए एसिडिटी ऑर्डर को, तो ना आपने एसिडिटी ऑर्डर बता दिया OH का। अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे F अटैच है, F अटैच है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया मेरा A वाला एग्जाम्पल। फिर B यहीं पे दे दिया मैंने कि कुछ ऐसा है ग्रुप, और यहाँ पे फर्दर H, और यहाँ पे आ जाता है हमारा F, नहीं यहाँ Cl है, यहाँ पे भी Cl है, दो ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है जी। फिर आ जाएंगे, हम बात करते हैं यहां से कि कहीं यही यहां पे लगा है NO2 ग्रुप, क्लियर, और फिर OH है, और यहां पे कहीं लगा हुआ है, यहां पे कहीं OF2 पॉजिटिव ग्रुप। अब मुझे बताइए एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, ये सब एप्लीकेशन में पढ़ेंगे, पर बस मैं डीएनपी रूल को समझाने के लिए क्वेश्चन दी हूँ, ठीक है। बाकी हम एप्लीकेशन में, मैंने बोल दिया है आपको 30-40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी। अभी अभी तक तो हमने बस थ्योरी कॉन्सेप्ट को समझा, थ्योरी क्या होता है ना, सारी चीजें समझ लिया, पर अब हम एक्चुअल में प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं बात करूँ इसमें एसिडिटी की, तो मुझे पता चल रहा है कि अल्कोहल की एसिडिटी पूछ रहा है, तो इसको तो मुझे ध्यान ही देना है, सब में अल्कोहल है, पता है हमको, है ना। और एसिडिटी निकालने के लिए करते क्या है, एच प्लस को डोनेट करा देते हैं, एच प्लस को रिलीज करा दिया। जैसे ही एच प्लस मैंने रिलीज कराया, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल वैसे ही अब यहाँ पे भी आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे भी हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज कर सकता है, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ऐसा ग्रुप चाहिए जो माइनस आई इफेक्ट शो करे, है ना। अब ग्रुप्स को देखते हैं, ग्रुप्स में तो मैंने चेंजेस किया हुआ है, तो आप ग्रुप्स में चले जाते हैं, तभी आपको पता चलेगा इसकी एसिडिटी ऑर्डर, ठीक है। ग्रुप में चले जाते हैं, मुझे पता चल गया एफ किस में आएगा, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है या माइनस आई इफेक्ट, पता है मुझे ये माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, है। क्लोरीन भी क्या है, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप शो करता है, यहाँ पे ये भी माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ पे इसके केसेस में भी ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्लियर है इतना जी। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, सबसे पहले आप मुझे देख रहे हैं डिस्टेंस कि माइनस आई ग्रुप कितने डिस्टेंस में लगा है, तभी मैंने लिखाया। सबसे पहले हमें देखना था डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो यहाँ पे है कार्बन वन और ये है कार्बन टू, टू पोजीशन पे ये लगा है, या यहाँ पे भी डिस्टेंस टू पोजीशन पे लगा है, टू थ्री, ये थ्री पोजीशन पे चला गया है, बहुत अलग। और यहाँ पे जो है वन एंड टू, तो ये जो तीन ग्रुप है उसका तो हमारा टू टू पोजीशन पे है। एक चीज पता चल गया, सबसे कम एसिडिटी तो इसकी होगी क्योंकि डिस्टेंस बहुत दूर है। मैंने बोला था आपको कि जैसे 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 कार्बन जो है उसकी चेन पड़ते जाते हैं, उसका इफेक्टिवनेस कम होते जाता है, एंड थर्ड कार्बन के बाद तो नेग्लिजिबल मान लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, है ना। उस केसेस में बात करेंगे, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो मुझे इतना समझ आ गया कि मेरा जो सी है वो सबसे लेस एसिडिक है, क्लियर है। अब डिस्टेंस के बाद, अब सब में डिस्टेंस मुझे सेम मिल गया, या सेकेंड कार्बन बेस में भी है, सेकेंड कार्बन बेस में, सेकेंड कार्बन बेस में। अब मेरे पास फिर से आया, क्या रूल लगा दूं मैं, सेकेंड नंबर। आप देखो कंफ्यूजन आया होगा आपको, देख के लग रहा है यार ये तो बहुत ज्यादा, हर बड़ी में बच्चे यही करते हैं गलती कि इसको देख के लग रहा है यार ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये तो हाई माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो इसी को लगा देते हैं, आता है ना ब्रेन में। लेकिन हमें लाइन से चलनी है, ठीक है। सबसे पहले मैंने चेक किया कि डिस्टेंस, डिस्टेंस में मेरा ये थ्री डॉट तो इक्वल निकले। फिर मुझे सेकेंड चलना है नंबर, तो नंबर की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है ये दोनों पावरफुल है क्लोरीन से, लेकिन यहाँ पे आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप के नंबर ज्यादा है, यहाँ पे आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप नंबर ज्यादा है, ठीक है। तो नंबर के पर्पस से जाऊं तो अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे डिस्टेंस भी ठीक है और नंबर ज्यादा है, तो मेरे सबसे ज्यादा जो एसिडिटी शो करेगा वो करेगा क्या, बी। यहाँ पे बी जो है उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। अब बात करते हैं इन दोनों में, दोनों का डिस्टेंस सेम है, नंबर सेम है ना, डिस्टेंस भी सेम है और नंबर भी सेम है। इस केसेस पे अब हम क्या देखेंगे, लास्ट वाला पावर। अब हमको पावर देखना है, यार पावर क्या है, तो उस ऑर्डर को याद होना चाहिए, और ऑर्डर याद भी नहीं है तब भी हमें ब्रेन में आना चाहिए कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यार पॉजिटिव चार्ज है जिस पे वो ऑलरेडी पहले कैटायनिक है, और कैटायनिक ज्यादा तेजी से खींच सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। और ये मैंने पहले ही बताया था किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के ऊपर अगर आप पॉजिटिव चार्ज लगाते हो तो सबसे पावरफुल वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है ना। तो उसके बेसिस पे मैं बोल सकती हूँ कि अब आ जाएगा हमारा डी।
फिर उसके बाद कौन आएंगे, आपका ये वाला है ए, और सबसे लास्ट में आ जाएगा सी। इसका रीजन क्या है लास्ट में आने का, क्योंकि ये डिस्टेंस वाइज ही बहुत दूर है। क्लियर है ना? तो ये होगा इसका एसिडिटी ऑर्डर। इस तरीके से हम समझ सकते हैं किसको, इंडक्टिव इफेक्ट को, कि कहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कितना इफेक्टिव होगा, उसके बेसिस पे हम इसे समझ सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं और क्यों इतना इंपॉर्टेंस हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ना। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, तो जितने भी टाइप के इंटरमीडिएट्स बनते हैं, चाहे वो कार्बन कैटायन हो, कार्बन आयन हो या फ्री रेडिकल्स, जितने भी टाइप के हमारे पास इंटरमीडिएट्स बनते हैं, उनकी स्टेबिलिटी को डिटेक्ट करने के लिए कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, हम यूज करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का। सेकेंड है बेसिसिटी नेचर, बेसिसिटी नेचर, और वो भी किस टाइप के बेस का, लुईस बेस का, क्योंकि आप इन इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट में देखेंगे हम। फिर एसिडिटी नेचर ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को डोनेट करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आता है उसकी एसिडिटी नेचर को भी पूरा कम्प्लीटली अफेक्ट करता है, वहां पे इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। वो सब पढ़ाऊंगी अभी मैं, बहुत सारे इन्हीं से क्वेश्चन बनाऊंगी ना, इसे हम 10 क्वेश्चन करेंगे, इसे 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे करते हुए करेंगे। फिर और रिएक्टिविटी ऑफ द एल्किल हैलाइड, जितना भी RX बॉन्ड होते हैं उनकी पोलैरिटी और उसकी रिएक्टिविटी को भी ये इफेक्ट करता है, वो भी क्वेश्चन से बताऊंगी मैं। रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कोहल ROH और रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनिल्स, कार्बोनिल्स की भी रिएक्टिविटी और इसको अफेक्ट करता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये तो रहा इसका एप्लीकेशन है ना। वन बाय वन अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट मैं क्या पढ़ा दूंगी आपको, कार्बन कैटायन या इंटरमीडिएट जो है उनकी स्टेबिलिटी को ये कैसे अफेक्ट करेगा। तो पहले एप्लीकेशन में जाते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट है ना। इंटरमीडिएट बेसिकली कितने टाइप्स का हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो मेन इंटरमीडिएट हमारे पास बनता है वो है आपका कार्बन कैटायन बनेगा। कार्बन कैटायन को कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो कार्बन कैटायन है ना। एक इंटरमीडिएट जो बनता है उसको बोलते हो फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स होता है। और एक इंटरमीडिएट हो जाता है आपके पास कार्बन एनायन, हो गया ऐसा। अब देखिए कार्बन कैटायन की बात करें तो कार्बन कैटायन किससे स्टेबलाइज होगा, उसके पास है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज किससे होगा, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप से होगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जितना ज्यादा आई ग्रुप लगेगा, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे प्लस आई ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे मैंने प्लस आई ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे मैंने प्लस आई ग्रुप लगा दिया, तो बिल्कुल वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि प्लस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन दे करके कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो स्टेबल हो जाएगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि प्लस आई ग्रुप जो होता है, यहाँ लिख दीजिए, प्लस आई ग्रुप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ द किसकी, कार्बन कैटायन के। क्लियर है? अब वही चीज देख लेते हैं फ्री रेडिकल में। तो फ्री रेडिकल किसको बोलते हो, फ्री रेडिकल की अगर बात करूं तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ही है ना। फ्री रेडिकल भी एक टाइप का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, मतलब उसको कंसीडर कर सकते हैं एज ए कार्बन कैटायन। तो बिल्कुल जैसा कार्बन कैटायन का सीक्वेंस था वही होगा। जैसे जैसे मैं यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप को बढ़ाते जाऊंगी, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप, तो वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। मतलब यहाँ पे और कह सकते हैं कि जो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप होता है वो फ्री रेडिकल्स की भी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ की बात करें, यहाँ अगर देखो नेगेटिव चार्ज है और मैंने लगाया है कि प्लस आई इफेक्ट, मैंने लगा दिया है प्लस आई इफेक्ट, तो इस केसेस में एक तो नेगेटिव चार्ज, ऊपर से ये और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो वहां पे आपने उसकी स्टेबिलिटी तो नहीं बढ़ाया यार। चार्ज को कम करना ही तो कहलाता है ना स्टेबिलिटी का बढ़ना, ठीक है। आप इस चीज को याद रखो, जब चार्ज होता है कम, चार्ज का डिक्रीज होना ही क्या कहलाता है, स्टेबिलिटी का इंक्रीज होना, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देके मैंने चार्ज को डिक्रीज किया तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, लेकिन इस केसेस में ये अनस्टेबल हो गया। तो यहाँ बोल सकते हैं कि जो हमारा प्लस आई इफेक्ट है वो कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। क्या करता है, कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। बस हो गया, यही कॉन्सेप्ट को याद रखना है आपको, ठीक है जी, बस इतना ही याद रखना है। अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी में हम ये कह सकते हैं कि मेरा प्लस आई इफेक्ट वाला जो ग्रुप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के, ठीक है। वही सेम चीजें माइनस आई ग्रुप अगर मेरे पास अटैच है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे आपकी कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी। इतनी चीजें हमें समझ आ गया, क्लियर है ना। बस एग्जांपल देके सोच लो क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं, सीधा सा क्वेश्चन है, 3 डिग्री कार्बन कैटायन है, फिर 2 डिग्री कार्बन कैटायन है और 1 डिग्री कार्बन कैटायन है, बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आप सीधे से बोल रहे हो कैसा, 3 डिग्री है तो CH3 यहाँ पे आ गया,
सीएसट्री यहाँ पे, सीएसट्री यहाँ पे और यहाँ पे है कार्बोक्सी चैन। टू डिग्री कहने का मतलब है सीएसट्री ग्रुप है, सीएसट्री ग्रुप है, यहाँ से अटैच है और यहाँ पे आपका आ जाएगा कार्बोक्सी चैन। क्लियर है जी, है ना, मतलब ये यहाँ से अटैच है ऐसे और यहाँ पे आ गया आपका हाइड्रोजन और यहाँ से अटैच है। और फिर वहीं पे वन डिग्री की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा सी एच टू ग्रुप एंड सी एच थ्री और ये अटैच है यहाँ पे कार्बोक्सी चैन पर है। इस केसेस में आप मुझे बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली इसकी होगी। क्यों? क्योंकि ये सारे ग्रुप क्या है, प्लस आई इफेक्ट वाले हैं और प्लस आई इफेक्ट वाला जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डोनेशन चार्ज यहाँ पे हो जाएगा डिक्रीज। क्लियर है इतना? तो यहां से ये चीज समझ आ गई है ना। एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखना होगा वो है क्या, रिंग के केस में, तो ये आप यहीं से याद रख लो। अगर मैं स्मॉल रिंग बनाऊ तो यहाँ पे का कार्बन कैचायन, उसके बाद आपके फोर मेंबर रिंग उसका कार्बन कैचायन हो गया और मेरे पास फाइव मेंबर रिंग है उनके कार्बन कैचायन हो गए। तो यहाँ पे अगर मैं कार्बन कैचायन की बात करूं तो इसकी भी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसा ही होगा, ठीक है। और अगर मैं इसके कार्बन एनायंस की बात करूं, रिंग्स में कार्बन एनायंस की बात करूं तो उसकी भी स्टेबिलिटी ऑर्डर यही होगा। और ये सब डिपेंड करता है उसके सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप पे। क्लियर है इतना? तो ये चार सारी चीजें तो हमें पता चल गई कि यार हम किसी भी रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को डिटेक्ट जरूर कर सकते हैं इससे, है ना। वही बात करें कार्बन आयन की, कुछ एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं, बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। चलिए कोई और एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज मेरे पास क्या है, ऐसे अटैच्ड ग्रुप है और यहाँ पे है यहाँ पे कहीं कार्बन आयन्स बने हुए हैं, ठीक है। अब होगा क्या, सपोज यहाँ पे मेरे पास एफ ग्रुप है और यहाँ पे मेरे पास है एक सी एच थ्री ग्रुप, तो ये तो हो गया वन वाला एग्जांपल। सेकेंड और आप देखिए सेम चीजें हैं, अभी भी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है पर यहाँ पे सी एच थ्री ग्रुप और फर्दर सी एच थ्री ग्रुप। फिर और एग्जांपल, पॉजिटिव चार्ज अभी भी यही है और यहाँ से आपका सी एच थ्री ग्रुप, सी एच थ्री ग्रुप, हियर ऑल्सो सी एच थ्री ग्रुप और फिर से फर्दर ले लीजिए आप कोई कार्बोक्सी चैन और इसकी स्टेबिलिटी को कैसे कर रहे हैं हम फैक्ट, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे है सी एच थ्री ग्रुप। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा इन द केसेस ऑफ कार्बोक्सी चैन, कौन सा कार्बोक्सी चैन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, पूछ लिया आपसे। तो क्या देखोगे आप, सबसे पहली बात तो मुझे इतना पता चल गया है कि कार्बोक्सी चैन तब स्टेबल होगा जब नंबर्स ऑफ प्लस आई ग्रुप बढ़े, है ना। तो आप चेक करते जाइए, ये तो है मेरा माइनस आई ग्रुप और ये है मेरा प्लस आई ग्रुप। इस केसेस में, इस केसेस में माइनस आई ग्रुप प्लस आई ग्रुप ऑल्सो प्लस आई ग्रुप होगा, इस केसेस में भी ये प्लस आई ग्रुप है, यहाँ भी प्लस आई ग्रुप है, यहाँ भी प्लस आई ग्रुप है, ठीक है जी। यहाँ पे ये माइनस आई ग्रुप है और यहाँ पे प्लस आई ग्रुप। अब मुझे देख के समझ आता है कि सबसे पहले सेम चीजें डीएनपी रूल तो आप हमेशा लगाएंगे, डीएनपी रूल लगाएं तो डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस की बात करो तो सबसे जो अच्छा चीज लग रहा है कि हाँ माइनस आई यहाँ पे डिस्टेंस में पहले है इन दोनों केसेस में, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप ज्यादा है, दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप ज्यादा है तो मैं बोल सकती हूँ कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन की चैन अभी क्या है मेरा बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर भी ज्यादा है और डिस्टेंस भी पास है, है ना, बिल्कुल कार्बन की चैन के पास में है ये ग्रुप, ठीक है जी। तो ये ज्यादा अच्छा इफेक्ट शो करेगा, तो कार्बन की चैन के बिल्कुल पास में है, इधर भी तो है एक सी एच थ्री ग्रुप, इसको भी ले लीजिए आप, इधर भी सी एच थ्री ग्रुप है, वो सबके साथ है तो वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा, इसको नहीं देख सकते नॉर्मली, इन दोनों को देखते हैं, है ना, क्योंकि ये सबके साथ है, देखिए इफेक्ट तो करेगा पर सबके साथ है तो वो उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। अब मैं देख सकती हूँ कि यही कार्बन की चैन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस आई ग्रुप ज्यादा है तो बी तो रहा सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, यहाँ भी सारे प्लस आई वाले ग्रुप है, ठीक है, डिस्टेंस दूर है तो डिस्टेंस वाइज अगर मैं देखू तो डिस्टेंस वाइज और तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, ये दोनों दिख रहे हैं, ठीक है, हाँ, पर एक यहाँ पे क्या है माइनस आई ग्रुप भी तो अटैच है, तो माइनस आई ग्रुप क्या करेगा इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। इस केसेस में अब मैं लूंगी, बट इस केसेस में हम लोग लिख लेंगे नंबर वाले को मतलब सी और उसके बाद आ जाएगा डी ग्रुप का और लास्ट में आ जाएगा आपका ए वाला, क्योंकि ए में ना ज्यादा नियरेस्ट में नेगेटिव चार्ज वाला ग्रुप है। तो ऐसे करके हमको सॉल्व करनी है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सी चैन। क्लियर इतना? बहुत सारे
क्वेश्चन है जो हम कर सकते हैं, है ना। कार्बन की टैन की स्टेबिलिटी से जो क्वेश्चन आता है वो सब हम कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन वही उसके बेसिस पे कर लेते हैं। चलिए बताइए, मेरे पास है एक CH3 कार्बन के चैन और एक है मेरे पास CD3 और एक CT3 कार्बन के चैन, इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा। देख के समझ आ जाएगा आपको, आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना कि कौन सा कार्बन चैन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है जी। तो उसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि कौन सा कार्बन कैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्लियर है इतना। ये सब चीजें तो रहा कि स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन कैटायन या कार्बन आयन या फ्री रेडिकल्स, इन सब की स्टेबिलिटी हम इसके बेसिस पे जान सकते हैं, क्लियर है इतना। अब सेकंड वाला जो है टॉपिक नेचर ऑफ द बेसिक नेचर, बेसिक नेचर आप कैसे डिफाइन करते हो, है ना। तो यहाँ पे हम लुईस बेस की बात करेंगे, ठीक है, वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट एप्लीकेशन हमें समझ आ गया कि स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन कैटायन कार्बन आयन या फ्री रेडिकल जो है उसको हम निकाल सकते हैं किसके बेसिस पे, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे, है ना। सेकंड एप्लीकेशन है हमारा क्या, बेसिसिटी, किसी भी कंपाउंड्स की बेसिक नेचर्स को भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे बेसिसिटी बेसिकली देखा जाएगा कौन सा, लुईस बेसिसिटी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखिएगा कि बेसिसिटी में होता क्या है, बेसिसिटी जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लिया जाता है और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, होता है ऐसा। तो जो भी उस कार्बन कैटायन जो बना है या पॉजिटिव चार्ज बना है उसको स्टेबल करेगा, वही बेसिसिटी नेचर्स को बढ़ा देगा। तो अब कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी कौन करता है, पहले देख लिया था आपने, प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप। मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो बेसिसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ द फॉर्मिंग कार्बन कैटायन, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन कैटायन, और कार्बन कैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तभी वो स्टेबल होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये जो है वो प्लस आई ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और माइनस आई ग्रुप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेसिसिटी। तो बस उसके बेसिस पे हम बेसिसिटी निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एमीन की बेसिसिटी की तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। बेसिसिटी ऑफ एमीन्स की बात करूँ तो एमीन जो होते हैं वो टू टाइप्स का होगा, एक होता है एलिफेटिक एमीन्स और दूसरा होता है आपका एरोमेटिक, है ना। तो एलिफेटिक एमीन्स को तो हम लगा सकते हैं कि उसको हम क्लियर निकाल सकते हैं किसके बेसिस पे, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे। लेकिन जहाँ पे एरोमेटिक वाला वो आ जाता है, एमिन्स आ जाते हैं, तो एरोमेटिक एमिन्स में बहुत सारा फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करेगा, तो उसकी बेसिसिटी कभी भी हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से डील नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ही मेरे पास एरोमेटिक टाइप का एमिन्स आ गया, फिर उसकी अगर मुझे स्टेबिलिटी देखनी है तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले उसमें मैं देखूंगी रेजोनेंस इफेक्ट जो हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, है ना। रेजोनेंस इफेक्ट देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला इफेक्ट देखेंगे, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, रेजोनेंस देखेंगे, फिर सर इफेक्ट लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट भी ऑल्सो उसमें अप्लाई होगा जो पूरा चेंज कर देता है प्रॉपर्टी को, सर इफेक्ट, ऑल्सो इफेक्ट, SIR इफेक्ट बोलते हैं इसको, फिर PD इन्वर्जन इफेक्ट भी अप्लाई होगा वहाँ, और एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के बेस पे भी हम फिर देखेंगे कि कौन सा जो एमीन है हमारा वो ज़्यादा बेसिक है और कौन सा कम। तो एरोमेटिक जो एमीन्स है उसको सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से कभी भी पेपर में डील नहीं करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर है अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन जो एलिफैटिक वाला हमारा एमिन्स है उसको हम निकाल सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। बेसिकली एलिफैटिक एमिन्स को अगर निकालनी है उसकी बेसिसिटी, तो वो थ्री चीज़ों पर डिपेंड करेगा। कौन कौन सा थ्री चीज़ पर डिपेंड करेगा, एक तो आ जाता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट पे, ठीक है। सेकेंड जो वर्क करता है वो है स्टेरिक इफेक्ट, और थर्ड जो वर्क करता है वो है आपका हाइड्रेशन एनर्जी इफेक्ट। यही रीज़न है कि एमिन्स का जो आना चाहिए एक्चुअल बेसिसिटी ऑर्डर वो आता नहीं है, है ना। फिर हम उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक गैसेस स्टेट में और एक नॉर्मल स्टेट में, ठीक है। तो जब हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिसिटी अगर मैं निकालूं तो मुझे पता चल गया है कि जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा वो बेसिक होगा। तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो मेरा 3° एमीन है वो ज़्यादा बेसिक होगा, फिर होगा 2° एमीन, फिर होगा 1° एमीन, यही बोलेंगे ना हम। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कार्बन है और कार्बन से कनेक्टेड एमीन ग्रुप है, तो ये वाला जो ग्रुप है 3° एमीन जो है वो ज़्यादा वो होगा, स्टेबल होगा, ऐसा ये सब डोनेट करेंगे तो ये ज़्यादा इजली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, ऐसे हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन स्टेरिक इफेक्ट्स क्या बोलता है, स्टेरिक इफेक्ट बोलता है कि 1° जो है वो ज़्यादा बेसिक नेचर होगा, फिर 2°, फिर 3°। और सेम हाइड्रेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, मतलब आप जब हाइड्रोजन बॉन्ड वो बना रहा है, ठीक है, आमीन जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना है या हमने इसको सॉल्यूशन में डाल दिया है, तो सॉल्यूशन पर्पज़ पे भी यही ऑर्डर बोला जाता है कि 1°, देन 2° और फिर 3°।
तो इससे ना कन्फ्यूज़न होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट अलग मैसेज दे रहा है और हमारा जितना भी स्टेरिक इफेक्ट है या हाइड्रेशन इफेक्ट है वो अलग इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, तो उसके केसेस पे हम ना बेस पे निकालते हैं, फेसेस पे। अगर हम एक्वस फेसेस में लेते हैं, अगर हमने एक्वस फेसेस में लिया, कोई वाटर वाले सॉल्यूशन में लिया, तो फिर इसका जो ऑर्डर है वो आ जाता है सेकेंडरी वाला एमीन ज़्यादा बेसिक होगा, उसके बाद फिर होगा प्राइमरी एमीन, फिर होगा आपका टर्सरी एमीन। ये ऑर्डर होता है किसमें, जब हम उसको ले लेते हैं एक्वस फेस में, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम उसको गैसेस फेस में लेते हैं, गैसेस फेस में, तो गैसेस फेस में वही ले लेते हैं आपका इंडक्टिव इफेक्ट वाला, थर्ड डिग्री, फिर सेकंड डिग्री, फिर वन डिग्री। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद तो मैंने पहले जो बोला आपको कि बेसिसिटी एमिन्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप। तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे रखा है, इसकी बेसिसिटी ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है। अब बेसिसिटी कौन शो करेगा, ऑब्वियस एमीन शो करेगा, मैंने रख दिया, ये सबके पास लोन पेयर्स है, इसी को ये डोनेट करेगा। अब होगा क्या, जब हम इसकी बेसिसिटी ऑर्डर निकालते हैं तो एक ही चीज़ याद रखना है कि वो प्लस आई इफेक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखते जाओ, हाँ, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे शो कर रहा है प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, राइट। और यहाँ पे ब्रांचिंग बढ़ते जा रही है, प्लस आई इफेक्ट ब्रांचिंग बढ़ने के साथ बढ़ता है, आपको पता है। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, पता चल गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए कौन सा ग्रुप अटैच हो गया, फ्लोरीन। तो उसके पर्पज़ से ये सब जो है वो ऑलमोस्ट क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप बन गया है। इसके केसेस में भी ये माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, और यहाँ पे ये ग्रुप जो है मेरा वो प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है ना। अब मैंने पहले ही कहा था कि हमेशा लगाना है डी एन पी रूल, ठीक है। तो उसके बेसिस पे देखते हैं, पहले तो ब्रांचिंग से ही मुझे समझ आ गया, यही पास है और इनके ब्रांचिंग से समझ आ गया कि प्लस आई इफेक्ट दोनों शो कर रहा है। जितना ज़्यादा ब्रांच बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप बढ़ेंगे, है ना। तो प्लस आई ग्रुप बढ़ने के कारण से यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा वो होगा बी, और उसके बाद हो जाएगा हमारा ए वाला ग्रुप। ए वाला होगा क्या, या फिर ये वाला होगा, ऑब्वियस ए वाला होगा क्योंकि यहाँ पे जो शो कर रहा है वो बहुत दूर है अभी, है ना। तो इसके बाद आ जाएगा आपका, रुको, इसमें कंपैरिजन नहीं कराओ अभी, कंफ्यूजन होगा। मैं ये ग्रुप अलग से लगा के दिखाऊंगी आपको, इन चार में हम कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे बी सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा, उसके बाद फिर ए, फिर उसके बाद होगा हमारा डी, क्योंकि डी में माइनस आई शो कर रहा है पर उसके माइनस आई पावर कम होता है, और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा सी। तो ये होगा बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने कैसा दिया है, ये एरोमेटिक एमीन्स है या एलिफेटिक, सोच के देखो। साइक्लिक है लेकिन ये एलिफेटिक है, एरोमेटिक तो नहीं है, है ना। तो एरोमेटिक नहीं है तो इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट लगाते जाइए, ये हो गया ए, ये बी और ये सी। तो उसके बेसिस पे मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, यहाँ माइनस आई वाला, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे सी जो है वो ज़्यादा बेसिक होगा, उसके बाद होगा ए, और फिर बेसिसिटी होगी किसकी, बी की। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। तो ये सब उसके एप्लीकेशन है। यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये सब ग्रुप तो सेम है, पर यहाँ पे इफेक्ट क्या कर रहा है हमारा, परसेंटेज एस करेक्टर। और पहले ही आपको पता है कि परसेंटेज एस करेक्टर में अगर हम जाते हैं तो जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, करता है ऐसा। जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और उसको इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, उसको देने नहीं देगा। तो यहाँ से मुझे पता चलता है यार यहाँ पे तो एस करेक्टर बहुत ज़्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, फिर यहाँ तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस केसेस में ये ज़्यादा होल्ड करके रखेगा। तो बेसिसिटी ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी बेसिसिटी ऑर्डर सी का ज़्यादा अच्छा बेसिक होगा, फिर बी का, और फिर होगा ए का। तो ये हमारा सेकेंड एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या, थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन में क्या बता रहे हैं, एसिडिक नेचर ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर्स को भी हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। चलिए करते हैं। अब क्या होगा, अगर बात करूं मैं एसिडिक नेचर की, तो जो एसिडिक नेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एसिडिक नेचर मतलब प्रोटॉन को उसने डोनेट कर दिया, प्रोटॉन डोनेट किया मतलब क्या जनरेट हो गया वहां पे, कार्बन एनायन। तो बात करें एसिडिक नेचर की, एसिडिक नेचर्स की जब बात करते हैं हम, तो क्या होगा, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मैं कह सकती हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई ग्रुप, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा,
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई ग्रुप, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। बस इसके बेसिस पे हम किसी भी उसके एसिडिक नेचर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं अभी। सपोज मेरे पास क्या है, यहाँ से ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पे है OH, ठीक है, ये हो गया A, फिर B, NR3 पॉजिटिव, और एक है D अब इसमें वो पूछता है कि बताइए आप एसिडिक नेचर को बताओ या एसिडिटी ऑर्डर को बताइए इसका। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, सबसे पहले तो वर्क करना है क्या हमें, कि देखनी है ये सब में सेम ही ग्रुप है, H प्लस इसने हटा दिया, H प्लस रिमूव कर दिया क्योंकि एसिडिक नेचर देख रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव। अब इस नेगेटिविटी चार्ज को कौन या कितना ज़्यादा स्टेबल करेगा, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या देखेंगे, माइनस आई ग्रुप ऑब्वियस। तो यहाँ पे भी एक वन माइनस आई ग्रुप है, यहाँ भी माइनस आई ग्रुप ही अटैच है। इसकी बात करें तो हाँ माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप होगा, यहाँ भी माइनस आई ग्रुप है और यहाँ पे भी 3 माइनस आई ग्रुप है। अब कुछ नहीं करनी है, सारे माइनस आई ग्रुप है तो ऑब्वियस ये सब के सब क्या करेंगे, एसिडिक नेचर को उसका इंक्रीज ही करेंगे। लेकिन यहाँ फिर से लगाना है हमको DNP रूल, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं। तो डिस्टेंस की बात करें सबसे पहले, यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है वो वन कार्बन पे ही है ना डिस्टेंस, और यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बेसिस पे मैं बोल सकती हूँ ये और ये ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब ज़्यादा हाईली एसिडिटी शो करेगा करेगा। अब मैं देख लेती हूँ कि पावर, नंबर तो सेम ही दिख रहा है अभी भी, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो पावर की बात करते हैं। तो आपको पता है जो कैटायंस वाले होते हैं, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाना है, इज़ ए वेरी हाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसा वो वर्क करने लगेगा, मतलब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बन जाएगा। देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसको बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हाई मोर क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के जैसा बिहेव करने लगेगा। इस केसेस में मैं बोल सकती हूँ कि बी जो है उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं ए की ज़्यादा होगी, फिर देखा जाएगा क्या, ये दोनों तो हो गया, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं डिस्टेंस वाइज, तो ये समझ आ गया, उसके बाद देखा जाता है नंबर, तो नंबर वाइज ये मेरे को दिख रहा है डिस्टेंस वाइज, अच्छा अभी भी डिस्टेंस वाइज ये पास है तो हो जाएंगे सी, और उसके बाद फिर देखा जाता है नंबर, तो नंबर वाइज फिर ये, तो यही लास्ट में आएगा। इसके बेसिस पे आप किसी भी उसके एसिडिटी जो नेचर है वो निकाल सकते हो, है ना। वैसे ही और कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, जिससे समझ आ जाए। अल्कोहल ले लो और अल्कोहल को भी सेम वैसे ही बनाते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे है कोई अल्कोहल ग्रुप और आपका यहाँ से अटैच है CH3, ये A हो गया, ठीक है। B फर्दर मेरे पास है अल्कोहल ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है ये अल्कोहल ग्रुप। फिर OH ग्रुप है, यहाँ पे आपका F, यहाँ पे है OR2 पॉजिटिव, ठीक है। और फिर OH ग्रुप ओनली F। अब बताइए इसका, बहुत इजी वे में समझ आ रहा है आपको, ये दोनों तो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो रिलीजिंग ग्रुप वाला तो बिल्कुल अनस्टेबलाइज कर देगा। इस केसेस में मैं बोल सकती हूँ A की एसिडिटी सबसे कम होगी, है ना। अब सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा दिख रहा है हमें 2 माइनस आई ग्रुप है, तो C की ज़्यादा होगी सबसे ज़्यादा, और फिर उसके बाद किसका आ जाएगा, D का, फिर जिसमें कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है B, फिर लास्ट में आ जाएंगे A। तो ऐसे करके ना आप एसिडिटी किसी भी कंपाउंड्स का निकाल सकते हो, बेसिकली ज़्यादातर हम यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट वाला, मतलब एसिडिटी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ये निकाल सकते हैं, है ना, कि कितना इजली एच प्लस जो है वो रिलीज हो सकता है, उसे उसकी एसिडिटी बोलेंगे। तो उसको हम यहाँ से इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा रखा है क्या, थर्ड रिएक्टिविटी ऑफ द RH,
आर एक्स बॉन्ड, तो आर एक्स बॉन्ड की रिएक्टिविटी कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो उसको भी बेस किसके बेसिस पे आप बता सकते हो, कार्बोकैटायन या कार्बन आयन जो फॉर्म होगा उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं, ठीक है, उसी की स्टेबिलिटी के बेसिस पे बता सकते हैं। तो यहाँ से थर्ड एप्लीकेशन से हमें चले जाते हैं, सॉरी फोर्थ एप्लीकेशन में। फोर्थ एप्लीकेशन हमारा बोलता है आर एक्स बॉन्ड की रिएक्टिविटी भी हम निकाल सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। मतलब अभी तक आपको समझ आ गया कि कितना ज़्यादा एप्लीकेबल होता है हमारे लिए इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। कहाँ कहाँ पे हमने अप्लाई करके देख लिया उसको, सबसे पहले तो हमने देख लिया स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल, फिर हमने देखा बेसिसिटी ऑर्डर, फिर देख लिया एसिडिटी ऑर्डर, थ्री चीज़ें अपने समझा दिया। अब फोर्थ हम देखते हैं कि किसी भी जो एल्किल हैलाइड है उनके बॉन्ड की रिएक्टिविटी कितना रिएक्टिव होगा, कौन सा एल्किल हैलाइड, वो भी अफेक्ट करेगा कौन, इंडक्टिव इफेक्ट, वो भी इसका एप्लीकेशन होगा। साथ ही जो हमारा अल्कोहल होते हैं उनकी भी रिएक्टिविटी हम इससे मेजर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, कार्बोनिल जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी भी रिएक्टिविटी को ये अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो थ्री और एप्लीकेशन बचे हैं वो मैं यहाँ पे डिटेल कर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मैं बात करूँ आर एक्स बॉन्ड की रिएक्टिविटी की, तो आर एक्स बॉन्ड की रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एल्किल हैलाइड है। अब अगर यहाँ पे क्या किया मैंने, रिएक्शन कराया सपोज किसके साथ पे, ये AgNO3 से रिएक्शन कराया, तो बताइए कौन प्रेसिपिटेट देगा। तो ये क्वेश्चन अभी अभी बार में आया था, वहाँ भी मैंने समझाया है ना, जब AgNO3 उसी के साथ रिएक्शन करके उसी हैलाइड के साथ रिएक्शंस कर पाता है जिसमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो, ठीक है, और उसी से रिएक्शन करके ही वाइट प्रेसिपिटेशन बनाता है वो AgNO3, हर किसी से रिएक्शन नहीं करता। तो आप सोचिए यहाँ पे किसके साथ ये आराम से रिएक्शन कर सकता है, AgNO3 की अगर मैं बात करूँ तो रिएक्शन किसके साथ ये ईजिली करेगा, तो हम वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन करेंगे। तो AgNO3 की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इस केसेस में जब यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो ये BR को ले लेगा, AgBr बनाएगा, AgCl बनाएगा, कोई भी हैलोजन को ले लेगा और यहाँ बनाएगा कार्बोकैटायन, होगा ऐसा, यहाँ भी इसको लेगा जब ये, तो यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन और यहाँ पे बनेगा कार्बोकैटायन। अब आप मुझे बताओ इंडक्टिव इफेक्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि विच कार्बोकैटायन इज स्टेबल, तो अगर मैं बात करूँ कि कार्बोकैटायन की, तो यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकैटायन इज स्टेबल, देन सेकेंडरी एंड फिर प्राइमरी, है ना। तो इससे पता चला कि ये वाला जो एल्किल हैलाइड वाला बॉन्ड है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम है टुवर्ड्स किसके साथ में, AgNO3 के साथ। तो ये जो है कोई भी प्रेसिपिटेट पीपीटी नहीं बनाएगा, ये रिएक्शन नहीं देगा, ये रिएक्टिव नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये भी कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं देगा क्योंकि इसमें भी कोई स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सेम यहाँ पे ये पीपीटी शो करेगा रीज़न स्टेबल कार्बोकैटायन ड्यू टू दिस स्टेबल कार्बोकैटायन, और ये स्टेबल क्यों हुआ, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर है। तो हम ना जब रिएक्शन कराने जाते हैं तो वहाँ पे जब हमारे पास एक बड़े से मॉलिक्यूल दे दिया जाए और कोई हमारे पास AgNO3 दे दे और फिर बोले कि बताओ यहाँ से कौन से हैलाइड्स को वो लेगा, तो आपको फिर समझ आएगा ना चीज़ें कि कौन से हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, बिल्कुल उसी हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा जहाँ पे हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा हो, है ना, उसके अलावा भी एरोमेटिक कार्बोकैटायन बन रहे हो या फिर एलाइलिक कार्बोकैटायन बन रहा होगा, मतलब स्टेबल टाइप का कार्बोकैटायन बनेगा, तो ही जाके हमारा जो एल्किल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और हमें प्रेसिपिटेशन देगा, क्लियर है इतना। तो इससे हम ये भी बता सकते हैं, यहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा। साथ ही और बात करूँ अगर मैं रिएक्टिविटी ऑफ द एल्कोहल्स, तो एल्कोहल के टेस्ट के लिए आपने टेस्ट किया होगा कौन सा, ल्यूकास टेस्ट, है ना, ल्यूकास रेजिन टेस्ट, उसमें भी आपको ये चीज़ पता चलता है कि इस केसेस में अगर मैं बात करूँ किसकी, OH बॉन्ड की, तो इस केसेस में जब हम OH बॉन्ड की बात करते हैं तो OH बॉन्ड का ऑर्डर अगर मैं देखूं, ठीक है, तो यहाँ पे OH बॉन्ड का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, टर्शियरी में सबसे ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसके बाद फिर सेकेंडरी में और उसके बाद फिर प्राइमरी में, ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ इसकी, अब बात कर लेते हैं हम ऑक्सीजन और कार्बन की बॉन्ड का ऑर्डर, स्ट्रॉन्गनेस वाला ऑर्डर, तो यहाँ से पता चलता है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, मतलब यहाँ पे हमारा जो ये वाला बॉन्ड है वो बहुत ही वीक है ना। इसके बेसिस पे अगर मैं देखूँ, अगर मुझे ब्रेक कराना है ल्यूकास रेजिन में क्या करते हैं, इसी वाले बॉन्ड को ही तो ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने के बाद यहाँ भी सेम केसेस हो रहा है, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये नेगेटिव में और ये जाएगा पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव में और ये पॉजिटिव में, इससे मेरे को पता चला कि यहाँ पे बन रहा है स्टेबल कार्बोकैटायन, मतलब ये बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी है, यहाँ पे CO बॉन्ड्स को ब्रेक करना वेरी इजी है ना, क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है और वो स्टेबिलिटी किसके कारण आ रही है, सारी इंडक्टिव इफेक्ट्स के कारण आ रहा है, तो यहाँ पे ये इजी हो जाता है। यही रीज़न है कि जब हम ल्यूकास टेस्ट करते हैं, रिएजेंट टेस्ट करते हैं,
तो 3 डिग्री वाला जो अल्कोहल है वो ज़्यादा अच्छे से देता है, फिर 2 डिग्री वाला, और फिर लास्ट में 1 डिग्री अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन होती है और हमको मिलता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें तो रहा कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल को भी इफेक्ट करता है इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि वहाँ पे भी कार्बन कैटायंस का फॉर्मेशन होता है। एंड रिएक्टिव ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, देखिए अगर ना आपको कोई ऐसे कॉम्प्लेक्सेस दे रखा है, ये सारे इस टाइप के बना के दे रखे हैं, ठीक है, या एक ही साथ ये सबको बना के देख रहा है, बहुत बार बार आपको कार्बोनिल दे रखा है, जैसे ऐसे करके कोई भी रिएक्शन दिया है उसमें आपको बोल रहा है कि यार एक कार्बोनिल यहाँ पे है जिससे 2 कार्बन अटैच है, और जो दूसरा कार्बोनिल है वो कुछ ऐसा बना हुआ है मेरे पास, ऐसा एक कार्बन के साथ में अटैच है, सिर्फ एक कार्बन से, तो बताओ कहाँ पे जल्दी से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं आपके CSIR नेट में या फिर गेट में, जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं वो सब इसी से डील किया जा सकता है। होता क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेरे पास कार्बन है, तो कार्बन सारे कार्बन कैसे बिहेव करेंगे, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराऊँ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ज़्यादा अच्छे से होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक मतलब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और अटैक करेगा कहाँ पे, इस वाले सेंटर पे, मतलब वहाँ पे उसको क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज इसको चाहिए, न्यूक्लियस लविंग ग्रुप है ये, तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो ये है क्या मेरा प्लस आई ग्रुप, यहाँ पे दो दो प्लस आई ग्रुप है प्लस आई ग्रुप, इस केसेस में ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इस केसेस में दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल को तो चाहिए था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप या न्यूक्लियाई वैसा ही चाहिए था, पर इसने अपना प्लस आई इफेक्ट ग्रुप दिखा शो किया और इसने इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहने दिया, उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिया है। ठीक है, इस केसेस में मैं ये कह सकती हूँ इस केसेस में कि अगर ये ए है बी और सी, तो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक ए में ज़्यादा अच्छे से होगा, उसके बाद बी में, फिर होगा सी में। तो ऐसे ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट लगा के सॉल्व कर सकते हो कि प्रोडक्ट किस में हमें ज़्यादा मिलेगा। पूछ लिया क्वेश्चन में कि बताइए इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए करके, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए इन तीनों कार्बोनिल का, तो आपने यही देखनी है कि इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे लग रहा है ज़्यादा, इन दोनों पे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था, इसलिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, ये कार्बन अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहा नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। क्लियर है इतना? तो ये सारे हैं एप्लीकेशन ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। हमारा इंडक्टिव इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस इफेक्ट।